से फ्राई हो चुके हैं। इसको पकने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। मैंने यहाँ एक खोपरे का इस्तेमाल किया है। खोपरे और प्याज को मैंने अच्छे से पीस लिया है। अब हम डाल देंगे इसको इसमें। सभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर हम भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इसी में अब हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, हल्दी थोड़ी सी, रेड चिल्ली पाउडर 2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, चाहे कम या ज़्यादा। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर हम पका लेंगे 5 मिनट के लिए। ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। अब हम इसमें डाल देंगे कोफ्तों को भी।